हेलो दोस्तों, वेलकम टू रासुटीज यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे जलोद्भिद और मरुद्भिद के बारे में। ये पौधे किस प्रकार से होते हैं और मरुद्भिद पौधे किस प्रकार से होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान के लिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक रासुटीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जलोद्भिद और मरुद्भिद के बीच में अंतर क्या है। तो जलोद्भिद का जो तना होता है वो लंबे होते हैं तथा तना लंबे पार्श्व वाला दुर्बल होता है, वायुकोष युक्त होता है, इनमें वायुकोष होता है। जलोद्भिद के तनों में वायुकोष होता है तथा स्पंजी होते हैं तथा स्पंज के आकार के बने हुए होते हैं, लेकिन यांत्रिक ऊतक अनुपस्थित रहता है। लेकिन जलोद्भिद में यांत्रिक ऊतक नहीं रहता है। अगर हम बात करें मरुद्भिद के बारे में तो तना इनका मांसल रहता है, प्रहलाभ रूप में रूपांतरित रहता है। इनका तना कैसा रहता है, जैसे प्रहलाभ रहता है उसी तरह से इनका तना रूपांतरित रहता है, यांत्रिक ऊतक विकसित होता है। इनमें यांत्रिक ऊतक विकसित होता है जबकि जलोद्भिद में यांत्रिक ऊतक नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। पत्तियों के बारे में बात करें तो जलोद्भिद की पत्तियां कटी फटी पतली फीते के आकार की तथा रंध्रविहीन, यानी कि इनके पत्तियों में रंध्र नहीं होते हैं, रंध्रविहीन होती हैं। तैरने वाली पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन जो पत्तियां तैरने वाली होती हैं क्योंकि ये पौधे जल में रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जलोद्भिद, तो उसमें जो तैरने वाली पत्तियाँ रहती हैं उनमें रंध्र पाए जाते हैं, तैरने वाली पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। मरुद्भिद में क्या होता है, पत्तियों कांटे में रूपांतरित होते हैं। इनके पत्तियों में कांटे होते हैं, जैसे कि आपने देखा हो नागफनी या फिर डंडाथोर, इन सब में कांटे होते हैं इनकी पत्तियों में, या शुष्क तथा मोटी होती हैं, या तो फिर शुष्क और मोटी होती हैं, रंध्र धसे हुए होते हैं। इनमें रंध्र कैसे होते हैं, धसे हुए होते हैं। जलोद्भिद में क्या होता है, उपचर्म नहीं पाई जाती, इनमें उपचर्म नहीं होती है, और मरुद्भिद में इसमें उपचर्म सभी भागों में पाई जाती है। उपचर्म क्या होता है, इसमें सभी भागों में पाई जाती है। जड़ों के बारे में बात करें तो जलोद्भिद में जड़ें अविकसित या अनुपस्थित होती हैं। अविकसित मतलब बहुत छोटी छोटी होती हैं, ना के बराबर, या फिर अनुपस्थित होती हैं, होती ही नहीं है। कुछ जड़ों में रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। कुछ जड़ों में क्या होता है, रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं, रूट की तरह पॉकेट्स पाए जाते हैं। और मरुद्भिद में बात करें तो जड़ें अधिक विकसित होती हैं, इनमें जड़ें बहुत ही ज़्यादा विकसित होती हैं एवं अधिक गहराई तक फैली रहती हैं, और ज़मीन के अंदर अधिक गहराई तक फैली रहती हैं। और क्या होता है जलोद्भिद में, जलोद्भिद के सभी भागों में श्लेष्म स्रावित होता है। जलोद्भिद के सभी भागों में श्लेष्म स्रवित हुआ करता है, स्रवित होता है, जिससे ये जल में सड़ते या गलते नहीं हैं। इसीलिए ये पौधे जल में रहते हैं, जल में पैदा होते हैं, जल में बड़े होते हैं, जल में ही इनका जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन ये सड़ते गलते नहीं हैं जब तक जीवित रहते हैं। और मरुद्भिद में क्या होता है, अधिकतर भागों में अंदर रबड़ छीर आदि रहते हैं जो जल की हानि को रोकते हैं। इनमें क्या होता है, रबड़ छीर पाए जाते हैं, इसलिए इनमें भी जल का ज़्यादा हानि नहीं होता है, जल से इनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता। अब हम बात करेंगे कौन से पौधे जलोद्भिद हैं, कौन से पौधे मरुद्भिद हैं। तो जलोद्भिद में आता है हाइड्रिला, कमल आपने देखा होगा, कमल, समुद्र सोख, जल धनिया भी जलोद्भिद में ही आती है। मरुद्भिद के बारे में बात करें तो नागफनी मरुद्भिद में आता है, रसकस ये भी मरुद्भिद में आता है, डंडाथोर ये भी मरुद्भिद में आता है, घीक्वार आसानी से मिल जाता है, ये भी आता है मरुद्भिद में, और पीली कटेली भी मरुद्भिद में आता है। तो आज आपने जाना जलोद्भिद और मरुद्भिद पौधों के बारे में, इनके बारे में क्या अंतर होता है उदाहरण आपने जाना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए रासुटीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, धन्यवाद।